आज हम बनाने जा रहे हैं कचनार का अचार। आजकल कचनार या करियाले बहुत ज्यादा होती हैं और ये 10-15 दिन के लिए ही होते हैं, तो 10-15 दिन तो हम फ्रेश खा सकते हैं, पर फिर बाद में भी अगर खानी है तो इसका अचार बना के हम खा सकते हैं। तो आज हम कचनार का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे। मैं अरुणा गुप्ता, अरुणाज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कचनार का अचार बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो कचनार का अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो कचनार ले ली हुई है। कचनार हमारी इस तरह से दिखती है, ऐसी कलियां कलियां होती है। पहले जो कली होती है इसका हम अचार बनाएंगे, बाद में जब ये फूल खिल जाता है तब नहीं बनाएंगे, कली का हम अचार बनाएंगे आज। तो इस तरह से कली होती है, पहले इसको छांट लेंगे हम। तो इसकी जो ये डंडी होती है इसको अलग कर देंगे, इस तरह से इसको निकाल देंगे। ये कली कली को हम पूरा अलग कर देंगे। तो ये पूरी हम छांट लेंगे पहले। तो कचनार जो है पूरी अच्छी तरह से छांट ली हुई है, अब इसको हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। कचनार मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो ली है। धुली हुई कचनार को हम कुकर में डाल देंगे और एक सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। कई बार जो है हमारी सख्त रह जाती है, अगर हम इसको थोड़ा सा बॉईल करते हैं तो सख्त रह जाती है और अचार हमारा सख्त बनता है। अब जैसे पानी है तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि लेवल तक आ जाए ताकि कचनार जो है हमारी अच्छी तरह से पक जाए। अब इसको ढक्कन लगा लेंगे और एक सीटी तक पका लेंगे। अब कचनार जो हमारी एक सीटी आने तक अच्छी तरह से पक चुकी है, देखो ठंडी भी हो गई है ये। अब इसको हम छलनी में निकाल देंगे और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पानी भी इसका सारा निकल चुका है नीचे, जो थोड़ा बहुत था इसमें। अब जो कचनार को हम धूप में सुखा लेंगे, तो ये कॉटन के कपड़े पे डाल देंगे और अच्छी तरह से सुखा लेंगे इसको, ताकि इसके में जो भी पानी वगैरह है वो सूख जाए। अगर तेज धूप है तो हमारे को इसमें 3-4 घंटे की धूप भी काफी होती है तेज धूप में। अगर जैसे थोड़ी तेज धूप नहीं है तो पूरा दिन इसको धूप लगा लें आप। अब मैं इसको पूरा दिन धूप लगा लूंगी। कचनार हमने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया, देखिए कलर भी इसका हमारा चेंज हो गया, डार्क डार्क सा कलर हो गया और अच्छी तरह से अब सूख चुकी है। अब हम कचनार के अचार के लिए एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेंगे, क्योंकि हमारे जो अचार है वो मस्टर्ड ऑयल में बनते हैं। तो एक कटोरी के करीब जो है हम मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे, क्योंकि तेल जो है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल हमारा धुआं निकलने तक गर्म हो चुका है, अभी गैस फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटा धनिया डाल देंगे, थोड़ा दरदरा रखे हैं इसमें। 1 टेबल स्पून हम कुटा हुआ जीरा डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1.5 टेबल स्पून हम सौंफ डाल देंगे, ये भी कुटी हुई सौंफ है, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, ये आप अपने हिसाब से डाल दें। वैसे मैंने 5-6 मिर्चें कूट ली हुई थी, आप चाहें तो ज्यादा डाल दें, जैसे अचार में जिस हिसाब से चाहिए तो उस हिसाब से डाल दें आप। 1/2 टीस्पून हम हींग डाल देंगे, हींग से फ्लेवर भी अच्छा होता है और वैसे भी पाचन के लिए भी हमारे हींग जो अच्छा होता है। 1/4 टीस्पून हम अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालें, इससे फ्लेवर हमारा अच्छा आता है। देखिए गैस फ्लेम ऑफ है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करने हैं मसाले अपने। अब इसमें हम 1/2 कटोरी गलगल का रस डाल देंगे। गलगल का रस निकालना मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है, आप चाहे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो कि गलगल का रस कैसे निकालते हैं। अगर गलगल का रस नहीं है तो आप राई पाउडर भी डाल सकते हो, और नहीं है राई पाउडर भी तो सिरका भी डाल सकते हो। अब इसमें मैंने गलगल का रस डाल दिया हुआ है, अब गैस फ्लेम हम ऑन कर देंगे और साथ ही अब हम इसमें गुड़ डालेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा खट्टा मीठा सा अचार बना रहे हैं। तो मैंने 2 गिट्टियां जो है गुड़ की ले ली हुई हैं,
ये 50 ग्राम के करीब जो हमारा गुड़ होगा। इसे थोड़ा काट के डाल लें। गुड़ जो है थोड़ा अपने हिसाब से डाल सकते हो आप, जो ज्यादा थोड़ा मीठा मीठा सा तार खाते हैं तो ज्यादा डाल दें, जैसे कोई नहीं खाते हैं तो गुड़ को आप स्किप भी कर सकते हो। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और गुड़ पिघलने तक इसको हम पका लेंगे। अब गुड़ हमारी पिघल चुकी है, अब इसमें हम कचनार डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। नमक अभी हमने ऐड नहीं किया था, अब हम नमक भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही लगता है, तो मैं 1.5 टीस्पून अभी डाल रही हूँ, फिर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर और डाल देंगे। थोड़ी सी हम देगी मिर्च डाल देंगे, 1 टेबलस्पून के करीब जो है मिर्च डाल दी, मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ताकि सारे मसाले जो हमारे कचनार में जो है एब्जॉर्ब हो जाएं। जैसे कचनार का अचार जब हमारा बन के तैयार हो जाता है तो उसमें हम 1/2 टेबलस्पून के अराउंड जो है कुटी हुई सौंफ डाल देंगे। इसका हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम इस तरह से ऊपर से डालते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको। बारिश में नमक टेस्ट कर लें, खट्टा मीठा भी टेस्ट कर लें, थोड़ा जो कम लगे या ज्यादा लगे उस हिसाब से इसको ऑल्टर कर लें। वैसे तो थोड़ी क्वांटिटी कम भी रखी है नमक की, तो फिर अगर कम लगे तो उस हिसाब से हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अब जैसे इसमें मुझे थोड़ा सा कम लगा तो थोड़ा सा नमक हम और ऐड कर देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। अब जैसे कचनार के जैसे ऊपर से जैसे तैर रहा है थोड़ा तेल, इस इतना हमारे को तेल चाहिए। अगर हमारे को साल भर के लिए रखना है तो फिर थोड़ा ज़्यादा तेल हमारे को इसमें डालना पड़ता है। तो लीजिए, हमारा कचनार या करेला का अचार बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।